हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार सुमित। इस तरह के रियर लुक के साथ भाई, जब ये लाइटें जल रही होती है ना शाम को और गाड़ी निकलती है, तो लोग एक बार को ठहरते ज़रूर है, रुकते ज़रूर है और पूछते हैं भाई ये गाड़ी है कौन सी। तो भाई जवाब यही मिलता है, ये है टोयोटा की नई ऑफरिंग इंडिया में, अर्बन क्रूजर हाई राइडर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले भाई, 23 तारीख को इंडिया का पाकिस्तान के साथ मैच है, कोई मिस नहीं करने वाला, ना मैं ना आप। लेकिन मजा डबल तब हो जाएगा जब इंडिया पाकिस्तान से मैच जीत जाए और उसके साथ साथ आप उस मैच से दो दो बड़े प्राइजेज जीत जाओ, एक ब्रांड न्यू आईफोन 14 और दूसरा भाई चमचमाती महिंद्रा थार। जानने के लिए बस वीडियो एंड तक देखना। और भाई ये जो आप देख रहे हो ना वेरिएंट, ये है अपना इसका टॉप एंड वेरिएंट, वी नाम से आता है, नियो ड्राइव है। अब नियो ड्राइव में कहानी क्या है भाई, इसमें दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक आता है अपने प्योर हाइब्रिड में, एक आता है अपना माइल्ड हाइब्रिड में। ये अपने पास माइल्ड हाइब्रिड वाला है। कीमत की बात कर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसमें मिल रहे हैं आपको दो दो वेरिएंट, एक है मैनुअल एक है ऑटोमेटिक। ये अपने सामने है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक की कीमत है 17,09,000 रुपए एक्स शोरूम, ऑन रोड कितना पड़ रहा है करीब करीब 19.5 लाख रुपए। और इसी में ही आप मैनुअल लेना चाहोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, वो पड़ता है लगभग इससे 1.25 लाख रुपए सस्ता, 1,25,000 रुपए सस्ता। ये तो हो गई कीमत की बात, ये तो हो गई इस वेरिएंट की बात। अब आ जाती है इसके लुक्स की बात भाई, ये है इसका फ्रंट लुक, सिर्फ पीछे से ही नहीं भाई आगे से भी जोरदार लग रही है। LED का इल्यूमिनेशन देख रहे हैं, यहां से देखो ये, ओ भाई साहब क्या जबरदस्त। स्प्लिट ऑप्शन में दिया है और यही हमारे DRL भी हैं। ये केवल ऐसा नहीं है इंडिकेटर अलग जल रहा है, DRL अलग है, यही DRL काम करेगा, यही इंडिकेटर है। नीचे आ जाते हैं तो इस तरह से आपको दिया हुआ है हेडलैम्प, पूरा ग्लॉसी ब्लैक देखो सराउंडिंग के साथ है, अंदर एक बॉल दिख रहा है, यही जोरदार काम करता है, व्हाइट कलर की LED लाइट के साथ अप एंड डाउन यही काम करेगा। और उसके साथ साथ अगर पूरा लुक देखे, बीच की ग्रिल देखने में ऐसा लगती है ना जैसे भाई जैसे हाइब्रिड गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की होती है, चौड़ी सी ग्रिल, एयर डैम बहुत हल्का सा, तो वही लुक इसमें दे रखा है। लेकिन भाई साहब नॉर्मल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, अभी इंजन की बात करेंगे फिलहाल। उससे नीचे आ जाते हैं तो आपको मिलता है यहाँ कैमरा भाई, आगे कैमरा, साइड में कैमरे, पीछे कैमरा, मतलब चार कैमरा इसमें, 360 कैमरा भी आपको इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ओवरऑल विड्थ की बात करें तो मिल जाती है आपको 1795 mm, 1795 mm। आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, तो भाई ये है कुछ साइड का लुक, व्हील बड़े जबरदस्त से लग रहे हैं भाई, मजा सा आ रहा है इन व्हील को देखकर। प्रोफाइल की बात करें 215/60 R17 17 इंच के हैं, डिस्क ब्रेक आगे भी है, डिस्क ब्रेक पीछे भी है, चारों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती हैं। इस तरह से है साइड प्रोफाइल पूरी की पूरी, क्रोम गार्निश आपको यहां पर दिख जाती है और देख रहे हो हल्के हल्के ब्लू ब्लू जैसे से लग रहे हैं, ग्रीन सा टिंट आ रहा है ना इसमें। तो भाई UV कट ग्लासेस इसमें आपको मिल जाते हैं, इंडिकेटर यहां पर दिख रहा है और जैसा कैमरा कह रहा था वो भी आपको यहां पर दिख जाता है। बढ़िया चीज़ दिख रही है इसमें आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस, तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिल रहा है आपको 210 mm का भाई, सॉलिड सेगमेंट में सबसे ज़्यादा। उसके साथ B+ ब्लैक्ड आउट, C+ ब्लैक्ड आउट, ऊपर रूफ रेल दिख रही है और क्या चीज़ है, रिक्वेस्ट सेंसर चमक रहा है क्योंकि टॉप एंड है, तो भाई जो अपना पुश स्टार्ट बटन वाला सिस्टम है वो तो आने ही आना है इसमें। ये हो गया पूरा का पूरा लुक। व्हील बेस अगर देखते हैं वो मिल रहा है आपको 2600 mm, और लेंथ की बात करें तो मिल जाती है आपको लगभग 4365 mm, मतलब 4300 mm, जो कि स्टैंडर्ड है क्रेटा का या सेल्टोस का, ठीक है, उनसे भी ज़्यादा है ये। तो ये हो गए साइड प्रोफाइल, रियर का लुक अभी आपको दिखाया था, दोबारा देखेंगे, मस्त से प्रोफाइल तो बार बार देखने में मज़ा आता है ना। तो भाई ये है कुछ लुक, यहाँ देखते हैं ये हमारी ऑलवेज ऑन मोड में, जैसे हम लैंप जलाएंगे ये जलेंगी, और जब ब्रेक दबेगी ना तो भाई ये जो लैंप है अपनी ये जलेंगी बड़ी जोर से लाल रंग में। उसके साथ नीचे इंडिकेटर आपको दिख रहा है हैलोजन, यहाँ देखते हैं ये हो गया रिवर्स लैंप, ये भी हैलोजन है, ये रिफ्लेक्टर है नीचे। न्यू ड्राइव ये बता ही दिया सब कुछ आपको, उसके साथ साथ कैमरा पीछे भी है। ऊपर आ जाते हैं तो भाई ये मिल रहा है आपको यहाँ पर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, ये रहा जो कि इंटीग्रेटेड है अपना स्पॉइलर में। ऊपर मिल जाता है आपको शार्फिन एंटीना। ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं तो ये है आगे भी डार्क ग्रे कलर की मेटैलिक में इस तरह से स्किड प्लेट है, पीछे भी दे रखी है, थोड़ा सा रगेडनेस सी आती है ना अंदर से, ऐसा आता है कि भारी भरकम वाली फीलिंग। 1 2 3 4 पॉइंट आपको मिल जा रहे हैं, रियर पार्किंग सेंसर, तो भाई ये हो गई। और यहाँ पर आ जाता है अपना फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक की बात करें कितना है, लगभग 50 लीटर की आपको इसमें कैपेसिटी मिल जाती है, पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गई बाहर बाहर से गाड़ी। अब आ जाती है बात इंटीरियर की, इंटीरियर के बाहर से हो गई ना सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो ही गई, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, टॉप एंड वेरियंट है, माइल्ड हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी के साथ, 17,09,000 रुपये एक्स शोरूम। वी वेरियंट है, ऑटोमेटिक में है, चाबी है कुछ इस तरह से, ये देखो टोयोटा का पीछे वो है, मारुति की तरह ही लगती है, सारी चीज़ें लगभग लगभग वही हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा लुक जो है ना वो बदल चुका है। ये हो गए अपने लॉक, फोल्ड हो गए अपने मिरर, ये हो गए अनलॉक, लेकिन अपने मिरर अनफोल्ड नहीं हुए। रीज़न क्या है, ये अनफोल्डिंग नहीं देते भाई, आप खड़ी करके गए हो कोई गाड़ी बगल में बिल्कुल आके लगा गया, आपने आके सीधा अनलॉक करी और ये खुला, और भाई उसमें अड़के टूट सकता है, इसीलिए
अनफोल्ड ये तब होगा जब आप अंदर जाके पुश स्टार्ट बटन दबा दोगे, मतलब जगह है साइड में इसलिए आप अंदर घुस सकते हो ना। तो भाई ये हो गए गाने, अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। अभी टी करते हैं एक बार इसकी बंद, ठीक है, एक बार टिकटॉक भी कर देता है बंद। आहा नज़ारे गजब है ना। तो भाई ये मिल रहा है आपको पूरा का पूरा लुक, भाई कंप्लीट ब्लैक है, यहाँ सॉफ्ट टच है, यहाँ सॉफ्ट टच है, उसके साथ साथ चारों की चारों पावर विंडो हैं। ये हो गया अपना मिरर को एडजस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकली, ये हो गया मिरर को फोल्ड करने के लिए इलेक्ट्रिकली, और भाई सारे मतलब जो भी कॉमन बटन्स होते हैं वो सारे आपको दिए हुए हैं। साथ में सिल्वर फिनिश है, ये हो गई क्रोम, नीचे बॉटल होल्डर आपको मिल रहा है। स्पीकर 1 2 3 4 चार स्पीकर हैं, 2 ट्विटर हैं। आ जाते हैं सीट पे, एक बार चाबी को रख देते हैं यहाँ पर। भाई सीट आपको बहुत चौड़ी मिल रही है यार, इसकी सीट काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, मतलब भारी भरकम हमारा शरीर है उसके बाद भी ऐसा खाली खाली सा लगता है। साइड में बोल्स बहुत बड़े बड़े हैं, अंडर थाई सपोर्ट देखते हैं तो ये देखो बहुत बढ़िया हाइट एडजस्टमेंट दिया हुआ है। हेडरेस्ट 1 2 3 4 5 पाँचों के पाँचों पीछे भी हैं आगे भी हैं, एडजस्टेबल दिए हुए हैं। ज़रा इसमें बैठते हैं अपने और ये चलिए अब बात करते हैं आप कैसे जीत सकते हैं ब्रांड न्यू आईफोन 14 और साथ में चमचमाती एसयूवी महिंद्रा थार। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और भाई उस पे टीम बनाओ आने वाले 23 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए। फ्री कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो शानदार आईफोन 14। और भाई ये कॉन्टेस्ट जो है ना सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए है और इसमें कोई आपकी फीस भी नहीं लगनी, तो भाई इसे जरूर प्ले करना, मिस मत करना बिल्कुल। और टॉप प्राइज में जीतो शानदार एसयूवी महिंद्रा थार जो कि वर्ल्ड कप के हर एक मैच में आपको मिलने वाली है। और भाई अगर ये आप बाद में भी देख रहे हो ना ये वाला वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें टीम बना लो, हो सकता है उस वाले मैच में आपका चांस बन जाए जीतने का। और अगर आप नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करते हो ना माई 11 सर्कल ऐप, तो भाई आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा रियल कैश आपके माई 11 सर्कल अकाउंट में। तो भाई डाउनलोड करो नीचे दिए हुए लिंक से माई 11 सर्कल ऐप और अभी टीम बनाओ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए। क्या बात है, क्या बात है। और अच्छा जी बत्ती हो गई बंद, एक बार इसको करते हैं अपना स्टार्ट यहाँ से। ये देखो बटन दबाते ही होगा ना ये ओपन, तो भाई इस तरह से ये जगमग जगमग कुछ हो गया यहाँ का नज़ारा पूरा। तो भाई इस तरह से आपको मिल रहा है क्लस्टर, यहाँ हो गया अपना टैको, यहाँ हो गया अपना स्पीडो, बीच में आपको जो MID है वो मिल जा रही है ठीक ठाक 3.5 इंच के करीब है ये बड़ी सी। और भाई इसी में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। पी मोड है क्योंकि पार्क मोड है, यहाँ आपको कार नाचती हुई दिखने लगी है। रीज़न है चारों तरफ की सराउंडिंग, आप जैसे गाड़ी खड़ी निकालते हो तो पता लगना चाहिए ना चारों तरफ देखते हो, तो यही आपको दिखा दे रहा है। देखो चारों साइड आपको व्यू दिखा दिया, आपने देख लिया, अब आप आगे बढ़ सकते हो। ये अपना काम खुद ही करता रहता है 360 कैमरा। बेजल के साथ 9 इंच का डिस्प्ले आपको मिल रहा है जो कि इस बड़ी गाड़ी के लिए सफिशियंट है, बहुत बढ़िया है। और बाकी तमाम भाई प्रो प्लस नाम से जो इनका आता है ना स्मार्ट स्टूडियो, वो इसमें दे रखा है, बिल्कुल ही सबसे लास्ट वाला लेटेस्ट जनरेशन है। इसी में और इन्फॉर्मेशन रेंज हुई, फ्यूल इकोनॉमी हुई, बाकी सेटिंग्स हैं, तमाम चीज़ें इसमें आपको दिखती रहती है। शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं, ये देखो वन टच में ही ये कर दिया हमने म्यूट, और इसी के साथ कम वॉल्यूम ज़्यादा होम कॉलिंग सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, वॉइस कमांड और पावर, इसको करके दबा के रखेंगे, ये हो गई बंद टी टी टी। चलो यहाँ एक बार इसको देखते हैं ना, ओके एंड ओके। टेल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों दिया हुआ है, उसके साथ साथ टोयोटा का लोगो है यहाँ पर। ये हो गया अपने कंट्रोल्स म्यूजिक प्लेयर के लिए, यार ये बंद अच्छा नहीं लग रहा, बस इसको म्यूट ही रखें। हाँ यहाँ से अब ठीक है भाई, यहाँ दिख रहा है आपको क्रूज कंट्रोल ठीक। और अंदर इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए आपको स्टॉक्स दिए हुए हैं, ये देखो इस तरह से आप कर सकते हैं ठीक। और उसके साथ साथ और क्या चीज़ थी अपनी, यहाँ पर नीचे कंट्रोल दिए हुए हैं जो अपना कॉलिंग उठाने वगैरह के लिए है, वॉइस कमांड के लिए, ये हो गया, ये आपको बता ही दिया था। उसके साथ साथ पूरा का पूरा जो स्टेयरिंग व्हील है वो लेदर रैप्ड है, ये दिख रहा है। और यहाँ दिख रहा है आपको ये माइनस ये प्लस, भाई पैडल शिफ्टर इसमें दिए हुए हैं क्योंकि ऑटोमेटिक है, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है, उसके साथ पैडल शिफ्टर की कमांड मिल जाए तो मज़ा ही अलग है। अरे हाय मत करो अभी, हमें अभी ध्यान देना तो भाई, लेडीज़ की हाय एकदम से यार ऐसा डिस्ट्रैक्ट सा कर जाती है ना। यहाँ देखते तो ये हो गया भाई वाइपर अपना ठीक है, मैनुअल है लेकिन सेटिंग्स बहुत सारी हैं इसमें। और उसके साथ ये हो गया अपना हेडलैम्प जो कि ऑटोमेटिक यहाँ दिया हुआ है, ये है अपना पुश स्टार्ट बटन, क्रोम की सराउंडिंग के साथ है, ये भी पूरा सॉफ्ट टच है, ये देखो ये सॉफ्ट टच, ये सॉफ्ट टच, चलो बढ़िया। और उसके साथ यहाँ पर नीचे अरे कभी नहीं समझ सकती भाई, हमें कभी नहीं समझ सकते यही तो दुख है ठीक है भाई। इसे दबाया हमने यहाँ पर, ये देखो ये दोबारा से जैसे गाड़ी स्टार्ट करोगे तब तो आएगा ही आएगा, लेकिन आप रिक्वेस्ट करके बटन दबा के यहाँ पर फिर से देख सकते हो ठीक है। और क्या करें, और क्या था, यहाँ से तो सब हो गया है। इधर आ जाते हैं अपने इसके नीचे,
भाई ये हो गया अपना टिकटॉक टिकटॉक, हजार्ड के लिए एसी इवेंट्स होगा, ये अपना दिया हुआ है यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। उसके नीचे भाई ये बटन दिख रहा है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, ये हो गया। आइडल स्टार्ट स्टॉप, बिल्कुल भाई ऑटो स्टार्ट स्टॉप इंजन वो भी दिया हुआ है। 12 वोल्ट का सॉकेट है, यूएसबी है, और ये आपको दिया हुआ नीचे स्पेस तमाम सारा। ये रहा अपना गियर नॉब, देखो पार्क रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मैनुअल, मैनुअल में भी ला सकते हो आप, ठीक है। मैनुअल से मतलब है वही रहेगा, ऊपर नीचे बस वैसा मोड रहेगा, ठीक है। ये हो गई कहानी यहाँ पर। 6-speed ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर वैसे बता दिया था। ऑटो डिमिंग IRVM ये यहाँ आपको दिया हुआ है। ये हो गया सनग्लास होल्डर, उसके साथ साथ ये हो गए लैंप। अभी रुक जाओ, उससे ऊपर भी आ रहे हैं, बीच वाला क्या छोड़ दिया बटन भाई। ये हो गया यहाँ पर वाइजर में, और यहाँ पर भी ठीक हो गया। अब आती है बात सनरूफ की। सनरूफ इसकी यूएसपी है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के साथ दी है। जो फाउंडेशन बाकियों में होती थी ना, कहते हैं यार ये तो मजाक सा हो गया, इसमें वो मजाक नहीं है भाई। इसको हम खोलते हैं, देखो इतना पोर्शन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये देखो ये भी साथ के साथ चला गया, नहीं तो यहां तक रहता, और ऊपर वाला पल्ला यहां तक रहता है ना, यहां तक ही खुलती। लेकिन भाई ये साथ के साथ ले गया, कितना पीछे ट्रैवल हो गया भाई, उस साइड चली गई है, यही तो खासियत है इसकी। चलो बंद कर देते हैं, और यहाँ पर देखें तो भाई यहाँ पर आपको स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है। उसके साथ साथ नीचे एम्बिएंट लाइटिंग भी आपको दी हुई है। चलो अब आती है बात पीछे की, पीछे दिखाते हैं। और इसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले भी दिया हुआ है, जो कि बढ़िया सा काम करता है। और भाई इसमें साउंड के लिए भी एर्कमीज वाला साउंड इसमें दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। चलो अब आती है बात रियर की। जो फ्रंट वाली सीट थी अपने हिसाब से एडजस्टेड थी, अब आप पीछे स्पेस देखो कितना जबरदस्त आपको स्पेस मिल रहा है। 2600 mm भाई व्हील बेस है, तो ऑटोमेटिकली मिलना ही मिलना है। यहाँ पर देखते हैं पीछे के लिए एसी वेंट दिए हुए हैं, उसके साथ साथ ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर दो चार्जिंग पॉइंट, बहुत बढ़िया आर्म रेस्ट दिया हुआ है। और आप बहुत सी पूरी की पूरी लेदर एट है, ये देखो ऊपर से सीट कवर वगैरह नहीं लगवाना कुछ इसमें। यहाँ देखते हैं, ये आपको बता ही दिया था, पीछे के लिए बढ़िया नज़ारे जबरदस्त से लग रहे हैं। 60-40 स्प्लिट सीट भी आपको इसमें दिया हुआ है। एक बार बैठ के, यार लोग कह रहे थे बैठ के दिखाना बंद कर दिया, चलो भाई बैठ के दिखाते हैं। ये देख रहे हो कितना स्पेस है, पीछे पॉकेट वगैरह भी दी हुई है, इधर है और इधर भी है। तो अरे यार ये हर बार क्यों भूल जाता हूँ मैं, मुझे ये समझ नहीं आता भाई। ये आपको मिल रहा है यहाँ पर, ये आर्म रेस्ट ठीक है, ये स्पेस है, और हाँ एक्सटेंडेबल भी है, स्लाइड हो जाता है। चलो भाई बहुत आराम से खुल्ले डुल्ले, अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल सॉलिड है, मस्त है। चलो भाई, अरे यार हाय मत करो यार बार बार, यार इसको बस हाय की पड़ रही है। चलो यार पीछे चलते हैं अपने, और आपको बूट स्पेस दिखा देंगे। ये मिल रहा है कुछ आपको बूट स्पेस, लैंप आपको यहाँ पर दिख जाती है ठीक है। पीछे हार्ड प्लास्टिक है पूरी, और एक बार देखें जरा, ओहो कितना है प्रोफाइल, 17 इंची होना, हाँ वही है 215/60/8/17, यही तो बढ़िया चीज़ है भाई। बेस मॉडल से लेकर ऊपर के मॉडल तक सब में सेम 17 इंच का टायर रखा है। पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है इस तरह से, इसको कर देते हैं अपने बंद। चलो ये हो गई कहानी यहाँ से, अब आते हैं इंजन की तरफ। ओहो अच्छा, ये हल्ला बहुत आ रहा है। नीचे दो पैडल दिए हुए हैं, डैड पैडल आपको डेडिकेटेड मिल ही जाता है। चलो ये भाई ये आपको मिल रहा है यहाँ पर इंजन K15C, थर्ड जनरेशन है, और जो मारुति की तरफ से आता है वही है, कोलैब के अंडर है। और भाई रिफाइनमेंट लेवल अलग ही है, लगभग 103 bhp की पावर आपको इसमें मिल जाती है, 102 bhp की ठीक है। और उसका टॉर्क की बात करें लगभग 136 Nm का टॉर्क मिलता है। ABS, EBD आपको दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं। ESP भी है, हिल होल्ड कंट्रोल है, वो भी आपको इसमें दिख जाता है। ऊपर रिफाइनमेंट, एक्स्ट्रा रिफाइनमेंट के लिए, वैसे तो रिफाइंड बहुत है, उसके लिए यहाँ पर आपको साउंड लैंडिंग मटेरियल भी दिया हुआ है। इस तरह भाई कितना ही बड़ा देख रही है, गियर बॉक्स असेंबली कितनी बढ़िया भाई, इंजन बे काफ़ी बड़ा इसमें दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपको क्रम्पल जोन का एरिया बहुत बड़े लेवल पे मिल जाता है। तो भाई ये थी अपने पास कौन सी वी वेरिएंट, मतलब टॉप एंड वेरिएंट टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर का, माइल्ड हाइब्रिड नाम से जो आती है इंजन के साथ वही है, ऑटोमेटिक के साथ है, 6-speed गियर बॉक्स में, और कीमत है 17,09,000 रुपये। इसी में मैनुअल लेना चाहोगे टॉप एंड वेरिएंट के साथ तो वो भी आपको मिल जाएगी, वो आपको मिलेगी लगभग इससे 1,25,000 रुपये सस्ती, 1,20,000 रुपये के अराउंड सस्ती ठीक है। तो भाई इतना रखते हैं वीडियो को, और वीडियो आप बताना कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्त का, सब्सक्राइब कर लेना संस्कार उसमें चैनल को। जय हिंद। तो भाई भूलना मत, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड करो माय लेमन सर्कल ऐप, और जीतो iPhone 14 और भाई 20% एक्स्ट्रा रियल कैश, और टॉप प्राइज में जीतो महिंद्रा थार।